सेसन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, यू हैव ऑलरेडी रन अबाउट द इक्वेशन ऑफ मोशन इन नाइन्थ क्लास। ओके, हाउ मेनी इक्वेशन ऑफ मोशन? In ninth class, you have already run. How many number of equation of motion? क्यों काजल, have you remember? So there are three equation of motion. First is v equal to u plus at. याद है? सेकेंड s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ओके, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, दिस इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड v स्क्वेयर इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस टू ए एस। ओके, एंड फोर्थ एस टी एच इक्वल टू यू प्लस वन बाय टू ए टू टी माइनस वन। ओके, दीज आर द इक्वेशन ऑफ मोशन। तो देयर आर फोर इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट है वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, एंड थर्ड है वी स्क्वेयर इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस टू ए एस। फोर्थ है एस टी एच, एस टी एच मीन्स डिस्टेंस ट्रेवल इन टी एस सेकेंड इक्वल टू यू प्लस वन बाई टू ए इन टू टू टी माइनस वन। वॉट इज यू हियर? यू क्या है? यू इज द इनिशियल वेलोसिटी। v is final velocity. Initial velocity means velocity at t equal to 0 second. t equal to 0 second पर, यानी starting में जो velocity है, that is initial velocity. फाइनल वेलोसिटी यानी वेलोसिटी एट एनी टाइम, यानी टी इक्वल टू टी सेकेंड, द वेलोसिटी इज कॉल्ड फाइनल वेलोसिटी। ए है तुम्हारा एक्सेलरेशन, टी है टाइम, एस टी एच यानी एस है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट, एंड एस टी एच इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल इन टी एस सेकेंड। ओके, तो दीज आर इक्वेशन ऑफ मोशन। हियर इक्वेशन नंबर वन टू एंड थ्री, इक्वेशन वन इक्वेशन टू एंड इक्वेशन थ्री, इट वॉज ऑलरेडी द पार्ट ऑफ नाइन्थ क्लास। नाइन्थ क्लास में इसको पढ़े थे। दिस इज द फोर्थ इक्वेशन। ऑल दीज इक्वेशन वी विल यूज इन सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, ना हमेशा इसको रिमेंबर रखना। ये जो फोर इक्वेशन है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी,
s इक्वल टू ए टी प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस टू ए एस एंड एस टी एच यानी डिस्टेंस ट्रेवल इन टी एस सेकेंड दैट इज u प्लस वन बाय टू ए इन टू टू टी माइनस वन। ओके नोट डाउन कर लिए इसको? यस सर। ओके ठीक है चलो अब इसको हम लोग डिराइव करेंगे। डेरिवेशन आता है इसका। देयर आर थ्री मेथड। ग्राफिकल मेथड यू हैव ऑलरेडी लर्न इन नाइन्थ क्लास, याद है कि नहीं? ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन डिराइव किए थे। हियर इन इलेवेंथ क्लास वी विल डिराइव दीज इक्वेशन बाय जनरल मेथड एंड कैलकुलस मेथड। तो फर्स्ट देखो इक्वेशन ऑफ मोशन बाय जनरल मेथड। जितने फोर इक्वेशन ऑफ मोशन है इसको डिराइव करेंगे बाय जनरल मेथड। फर्स्ट डिराइव इक्वेशन ऑफ मोशन वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो वी नो दैट एक्सेलरेशन, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन? चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यही होता है ना? तो एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन वेलोसिटी मीन्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। ओके दिस इज द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन ए। अब देखो इनिशियल वेलोसिटी मीन्स टाइम टी इक्वल टू जीरो पे यानी एट टी इक्वल टू जीरो द वेलोसिटी इज कॉल्ड इनिशियल वेलोसिटी यानी पहले एकदम स्टार्टिंग में। जैसे कोई पर्सन रन कर रहा है तो जहां से हम लोग टाइम काउंट करना चालू करेंगे एट दैट पॉइंट द वेलोसिटी ऑफ पर्सन इज कॉल्ड इनिशियल वेलोसिटी दैट इज यू। इनिशियल वेलोसिटी इज यू। वी इक्वल टू यू पुट करना है एंड एट टी इक्वल टू टी फाइनल वेलोसिटी इज वी। नाउ पुटिंग दीज इक्वेशन दीज वैल्यू इन दिस इक्वेशन ए इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी वी माइनस इनिशियल वेलोसिटी यू अपॉन टाइम इंटरवल फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम टी माइनस जीरो यानी इट विल बी वी माइनस यू अपॉन टी। ओके और v माइनस यू इक्वल टू ए टी और v इक्वल टू यू प्लस ए टी। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके क्लियर हुआ डेरिवेशन? ठीक है नेक्स्ट है डेरिवेशन ऑफ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हियर एस इज डिस्प्लेसमेंट। देन सपोज यू इज इनिशियल वेलोसिटी एंड वी इज फाइनल वेलोसिटी। Then what is the average velocity? क्या होता है initial velocity plus final velocity by 2 होगा कि नहीं होगा? Average means initial plus final divided by 2. This is the average velocity. Then displacement
क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया एस, एवरेज वेलोसिटी यू प्लस वी बाय टू मल्टीप्लाई बाय टाइम टी। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर टू। अब क्या करो, वी नो दैट वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये होता है ना वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहां पुट कर दो एस इक्वल टू यू प्लस ए टी बाय टू इन टू टी। वी का वैल्यू यहां पर पुट कर दिए। ओके, तो क्या हो जाएगा, एस इक्वल टू यू प्लस यू हो गया टू यू प्लस ए टी बाय टू इन टू टी। अब इसको सेपरेट सेपरेट कर लो, क्या हो जाएगा, एस इक्वल टू टू से डिवाइड करोगे टू यू बाय टू, ये हो गया यू प्लस ए टी बाई टू यानी वन बाई टू ए टी इंटू टी यानी एस इक्वल टू यू टी प्लस वन बाई टू ए टी स्क्वेयर। ओके, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर हुआ यहां तक डेरिवेशन? चलो नोट डाउन करो। करना है ना बाय जनरल मेथड, नोट डाउन करते जाओ क्योंकि बुक में थोड़ा अलग टाइप दिया हुआ है। नेक्स्ट है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, वी स्क्वेयर इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस टू ए एस। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो देखो यहां पे इस इक्वेशन को डिराइव कर रहे हैं अपने को, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में अगेन डिस्प्लेसमेंट वाला टर्म आ गया। अपने को इस डिस्प्लेसमेंट वाले टर्म को गायब करना है। तो वी नो दैट द एवरेज डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट एस इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी दैट मींस इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय टू मल्टीप्लाई बाय टाइम टी। दिस इज इक्वेशन नंबर वन। होता है ना एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टू। एंड वी नो दैट फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ए टी इक्वल टू हो जाएगा वी माइनस यू और टी इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए। यहां से टी का वैल्यू फाइंड कर लिए। अपने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में T वाला टर्म नहीं है, देयरफॉर हियर वी विल रिप्लेस द क्वांटिटी T। T को यहां से गायब करना है। क्या करोगे, T का वैल्यू यहां से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से इक्वेशन वन में पुट कर दो। पुटिंग दिस इक्वेशन इन इक्वेशन नंबर वन, S इक्वल टू यू प्लस वी बाई टू इंटू वी माइनस यू बाई ए, यानी क्या हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। ओके, यानी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, आया समझ में?
थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन क्लियर हुआ? ओके चलो अब है लास्ट वाला फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन डेरिवेशन ऑफ फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। फोर्थ इक्वेशन क्या है? फोर्थ इक्वेशन है एसटीएस यानी डिस्टेंस ट्रेवल इन टीएस सेकेंड इक्वल टू यू प्लस 1/2a 2t-1 ये डिराइव करेंगे। अब ये ts सेकेंड क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टेंस ट्रेवल इन ts सेकेंड? सपोज कोई पर्सन टोटल 10 सेकेंड तक मूव कर रहा है, कितना सेकेंड? 10 सेकेंड। ये 0 सेकेंड यहां से चलना स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद 10 सेकेंड, 9 सेकेंड तक वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, सपोज 9 मीटर, और 10 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 12 मीटर, यानी 9 सेकेंड तक 9 मीटर डिस्टेंस कवर किया, एंड इन टोटल 10 सेकेंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय पर्सन इज 12 मीटर, तो लास्ट वाले सेकेंड यानी 10th सेकेंड में व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय पर्सन? भाई 9 सेकेंड तक 9 मीटर, उसके बाद पिकअप बढ़ाया और कहां चला गया? 10 सेकेंड में 12 मीटर। तो जो लास्ट का 1 सेकेंड था यानी 10th वाले सेकेंड में व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय पर्सन? क्यों महक? 9 सेकेंड तक 9 मीटर ट्रेवल कर रहा है, 10 सेकेंड में 12 मीटर, तो ये इतना डिस्टेंस यानी 10 सेकेंड में व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल? 3 मीटर। हाउ यू कैलकुलेट दिस? तो डिस्टेंस ट्रेवल इन 10 सेकेंड माइनस डिस्टेंस ट्रेवल इन 9 सेकेंड, ऐसे की हो ना कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इन 10 सेकेंड माइनस डिस्टेंस ट्रेवल इन 9 सेकेंड, यही आया तुम्हारा डिस्टेंस ट्रेवल इन 10th सेकेंड। यानी लास्ट वाला सेकेंड 10th सेकेंड बोलता है, तो अपने को क्या करना है? टोटल डिस्टेंस इन 10th सेकेंड माइनस टोटल डिस्टेंस इन 9th सेकेंड, तो आ जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल इन 10th सेकेंड। अगर मान लो बोलते हैं डिस्टेंस ट्रेवल इन 9th सेकेंड, तो क्या होगा? टोटल डिस्टेंस इन 9 सेकेंड माइनस टोटल डिस्टेंस इन 8 सेकेंड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस। यानी अपने को टोटल टाइम में से 1 सेकेंड पहले वाले टाइम के डिस्टेंस को क्या करना है? माइनस कर देना है। समझ में आया? टेंथ बोलेगा तो 10-9, नाइन्थ बोलेगा 9-8, एट्थ बोलेगा 8-7। अब यहां पर बोला है टीएस सेकेंड, टीएस सेकेंड मीन्स क्या हो जाएगा? एस टी एस यानी डिस्टेंस ट्रेवल इन टी सेकेंड माइनस डिस्टेंस ट्रेवल इन टी माइनस 1 सेकेंड। समझ में आया? जैसे 10th सेकेंड के लिए डिस्टेंस ट्रेवल इन 10th सेकेंड माइनस डिस्टेंस ट्रेवल इन 9 सेकेंड, सिमिलरली ts सेकेंड के लिए डिस्टेंस ट्रेवल इन t सेकेंड माइनस डिस्टेंस ट्रेवल इन t माइनस 1 सेकेंड। बोला था ना 1 सेकेंड पहले वाला माइनस करना है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ यहां तक? यस।
तो एस टी ए व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस ट्रेवल इन 3 सेकेंड, जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन था एस, ये टी हो गया, माइनस एस टी माइनस वन, एस टी यानी डिस्टेंस ट्रेवल इन 3 सेकेंड, क्या था इक्वेशन, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, माइनस सेकेंड वाले में टी के प्लेस पे टी माइनस वन रखना है, यानी यू और टी के प्लेस पे टी माइनस वन प्लस वन बाय टू ए टी माइनस वन का स्क्वेयर, समझ में आया कि नहीं इतना। ये जो फॉर्मूला था ना सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या बताता है, डिस्टेंस को एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, टी एस सेकेंड बोला है, यानी टी सेकेंड में से 1 सेकेंड पहले वाला यानी टी माइनस 1 सेकेंड वाले डिस्टेंस को माइनस कर दो। तो टी सेकेंड का फॉर्मूला क्या था, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर माइनस टी माइनस 1 सेकेंड वाला यू टी के प्लेस पे टी माइनस वन प्लस वन बाई टू ए टी माइनस वन का होल स्क्वेयर। इसी इक्वेशन में टी के प्लेस में टी माइनस वन रखे, कोई डाउट है यहां तक, चलो ठीक है। अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर दो, एस टी एच इक्वल टू यू टी प्लस वन बाय टू ए टी स्क्वेयर माइनस, ये मल्टीप्लाई करो, यू टी माइनस यू प्लस वन बाय टू ए, और ये हो जाएगा टी स्क्वेयर माइनस टू टी प्लस वन। ओके चलो, तो ये हो जाएगा यू टी प्लस वन बाय टू ए टी स्क्वेयर माइनस यू टी प्लस यू माइनस वन बाय टू ए टी स्क्वेयर माइनस टू टी प्लस वन, ऐसा होगा। ये माइनस का पूरा अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखो कैंसिल क्या क्या हो रहा है, यू टी और यू टी कैंसिल हो गया, प्लस वन बाई टू ए टी स्क्वेयर माइनस वन बाई टू ए टी स्क्वेयर कैंसिल हो गया, बाकी क्या बचा, एस टी एच इक्वल टू यू माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा प्लस वन बाई टू ए इंटू टू टी, माइनस माइनस प्लस हुआ ना, और ये ए इंटू टू टी माइनस वन बाई टू ए, समझ में आ रहा है ये, सॉरी कॉर्बर समझाओ। देख यहां से गड़बड़ हुआ होगा, तुम लोग नहीं आया होगा, ये जो था ना वन बाई टू ए टी स्क्वेयर माइनस टू टी प्लस वन, इसको थोड़ा सा यहाँ यहीं पर सिंप्लीफाई करो, तो माइनस वन बाई टू ए टी स्क्वेयर हो जाएगा ना, फिर ये माइनस माइनस प्लस हुआ, वन बाई टू ए है इंटू टू टी है, फिर ये माइनस और ये प्लस, माइनस हो गया वन बाई टू ए, लिख सकते हैं ना ये वाले पोर्शन को। अब इसमें ये यू टी से माइनस यू टी कैंसल, प्लस वन बाई टू ए टी स्क्वेयर और माइनस वन बाई टू ए टी स्क्वेयर कैंसल हो गया, क्या क्या बच रहा है, प्लस यू बच रहा है, प्लस यू यहाँ पे लिख दिए, प्लस वन बाई टू ए इंटू टू टी बचा, प्लस वन बाई टू ए इंटू टू टी यहाँ लिख दिए, माइनस वन बाई टू ए बचा यहाँ पर लिख दिए, समझ में आया। चलो अब देखो, तो ये हो गया यू प्लस टू से टू कैंसिल ए टी माइनस वन बाई टू ए, यानी यू प्लस ए, ए कॉमन निकल गया, टी माइनस वन बाई टू, तो फाइनली एस टी एच इक्वल टू यू प्लस एलसीएम ले लोगे
माइनस वन बाई टू हो जाएगा, यानी द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज एस टी एन इक्वल टू यू प्लस वन बाई टू ए इंटू टू टी माइनस वन, दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल इन टी एस सेकेंड। आया समझ में इतना? ठीक है, क्यों महक क्लियर हुआ? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, डिराइव करने के लिए आएगा। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर डिस्टेंस ट्रेवल इन टी एच सेकेंड बाई जनरल मैथड। अभी तक जो पढ़ रहे थे दिस वॉज द जनरल मैथड। इसके बाद है तुम्हारा कैलकुलस मैथड, इक्वेशन ऑफ मोशन बाई कैलकुलस मैथड। तो कैलकुलस मैथड के लिए डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन थोड़ा सा आना चाहिए, याद है कि भूल गए जो बताया था मैं? क्यों स्मृति याद है? इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन की याद नहीं है? देखो यहां पे, तो अभी जो फॉर्मूला यूज होगा उसको मैं लिख दे रहा हूं, इंटीग्रेशन dx। बताओ क्या होता है? x हो जाएगा। ओके, इंटीग्रेशन du क्या होगा भाई? dx का इंटीग्रेशन x है तो du का इंटीग्रेशन क्या होगा? u होगा। इंटीग्रेशन t dt, जैसे x dx x स्क्वायर बाई टू होता है, सिमिलरली t dt क्या होगा? t स्क्वायर बाई टू। ओके, इंटीग्रेशन dv बताओ तो t dt t स्क्वायर बाई टू v dv क्या होगा? v स्क्वायर बाई टू। और अगर यहां पर लिमिट दे दे u टू v v dv, तो क्या करोगे? इंटीग्रेशन किए v स्क्वायर बाई टू, और ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट बाद में वैल्यू कैसा पुट करेंगे? 1 बाई टू, पहले अपर लिमिट यानी v के जगह v पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट v के जगह u पुट किए। लिमिट वाले में ऐसे करते हैं ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, तो ये इतना बेसिक कुछ डिफरेंशिएशन, ये तो हुआ इंटीग्रेशन, तो इतना इंटीग्रेशन आना चाहिए, आगे तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। और क्या बताया था मैं? डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एस डी टी विथ फिजिकल क्वांटिटी, अभी पढ़े थे ना, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स विच फिजिकल क्वांटिटी? वेलोसिटी। ओके, तो वेलोसिटी हो जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, कौन सा फिजिकल क्वांटिटी होगा? क्या होगा महक बता दो? एक्सेलरेशन। ओके, तो ये सब इतना याद है तो आगे तुम्हारा कैलकुलस मेथड से प्रॉब्लम नहीं जाएगा डिराइव करने का इक्वेशन ऑफ मोशन। चलो देखो, डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू यू प्लस
प्लस ए टी बाई कैलकुलस मेथड। यहाँ पर वी है इनिशियल वेलोसिटी, सॉरी यू है इनिशियल वेलोसिटी, वी है फाइनल वेलोसिटी, टी है टाइम, इसको डिराइव करना है। तो देखो वी नो दैट क्या होता है, ए इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, होता है कि नहीं? Yes, sir. Then डी वी इक्वल टू ए डी टी लिख सकते हैं, उसको इक्वल टू उस साइड लेगा डी टी को। अब देखो एट टाइम टी इक्वल टू जीरो द वेलोसिटी इज कॉल्ड इनिशियल वेलोसिटी रिप्रेजेंटेड बाई यू, एंड एट टाइम टी इक्वल टू टी द वेलोसिटी इज कॉल्ड फाइनल वेलोसिटी रिप्रेजेंटेड बाई वी। तो इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन डी वी इक्वल टू इंटीग्रेशन डी टी टी। अब देखो टी इक्वल टू जीरो पर जो वेलोसिटी है दैट इज कॉल्ड इनिशियल वेलोसिटी यू, एंड टी इक्वल टू टी पर जो वेलोसिटी है कॉल्ड फाइनल वेलोसिटी वी। समझ में आया? यहां तक क्लियर है कि नहीं है? अब चलो dv का इंटीग्रेशन क्या होगा, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ dv? अभी इतना सारा बताया था ना, क्या होगा dv का इंटीग्रेशन? v होगा। चलो ब्रैकेट में v रखो, फिर लिमिट रखते हैं u और v। a यहां पर कांस्टेंट है एक्सेलरेशन, तो इंटीग्रेशन होगा किसका, डी टी का, जीरो टू टी डी टी। अब यहां पर लिमिट पुट करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो वी के जगह अपर लिमिट क्या हो जाएगा वी, माइनस वी के प्लेस पे लोअर लिमिट क्या हो गया यू, और ए डी टी का इंटीग्रेशन, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, टी हो जाएगा, और लिमिट पुट करोगे जीरो टू टी, तो वी माइनस यू इक्वल टू ए टी माइनस जीरो, टी माइनस जीरो हो गया टी, यानी वी माइनस यू इक्वल टू ए टी, और वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाई कैलकुलस मेथड। आया समझ में सबको? ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। नेक्स्ट है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा, एस इक्वल टू यू टी प्लस वन बाय टू ए टी स्क्वायर, इसको डिराइव करना है किससे, बाय द यूज ऑफ कैलकुलस मेथड। तो इसमें देखो एस है टर्म, यानी वी इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी, ये होता है वी नो दैट वी इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी, लिख सकते हैं कि नहीं? yes. तो डी एस इक्वल टू वी डी टी, एंड वी नो दैट वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, प्रूव कर चुके हैं। तो चलो v का वैल्यू इक्वेशन वन में पुट कर दो, तो ds इक्वल टू v का वैल्यू क्या है u प्लस ए टी, ये हो जाएगा dt। समझ में आया इतना? yes, sir. अब इसको लिमिट पुट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। देखो at t इक्वल टू जीरो जो डिस्प्लेसमेंट था वो जीरो था, एंड एट टी इक्वल टू टी एस का वैल्यू एस रखना है, यानी ये एस इक्वल टू जीरो इनिशियल पोजीशन है टाइम टी इक्वल टू जीरो पे, और टी इक्वल एस इक्वल टू एस क्या है फाइनल पोजीशन है t
किसमें, टाइम टी इक्वल टू टी पे। तो चलो इसको इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट क्या रहेगा, जीरो टू टी यू प्लस ए टी डी टी। जीरो पर डिस्प्लेसमेंट जीरो, टी पर डिस्प्लेसमेंट है एस। चलो देखो, अब यहां पर ds का इंटीग्रेशन हो गया s, लिमिट 0 टू s, इधर हो जाएगा तुम्हारा, मल्टीप्लाई करोगे 0 टू t u dt प्लस 0 टू t a t dt। लिमिट पुट करोगे, अपर लिमिट s हो गया, लोअर लिमिट 0, u कांस्टेंट टर्म है, इनिशियल वेलोसिटी दैट इज कांस्टेंट 0 टू t dt प्लस a भी कांस्टेंट है 0 टू t t dt। यहां तक कोई डाउट है क्या? चलो तो ये s माइनस 0 हो गया s, u dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t लिमिट 0 टू t रहेगा, प्लस a t का इंटीग्रेशन क्या होगा, t स्क्वायर बाय 2, लिमिट 0 टू t है, इधर वाला मैं क्लीन कर दे रहा हूं। अब ये अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कर दो यहां पर, तो s इक्वल टू u, अपर लिमिट है t, t माइनस 0 प्लस 1 बाय 2 a, क्या हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 0, तो s इक्वल टू ut प्लस 1 बाय 2 a t स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज द इक्वेशन डिराइव फ्रॉम कैलकुलस मेथड। ओके।